इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे 8 मॉड्यूल उपकरणों के लिए वायरिंग कैसे किया जाता है। शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। प्राइमरी फेज लाइन को निश्चित रूप से P1 टर्मिनल से जोड़े रखिए। हमारे उपकरणों में केवल एक ही न्यूट्रल है। आमतौर पर एक फेज और एक न्यूट्रल कनेक्शन उपलब्ध होता है। इस स्थिति में P1 और P2 टर्मिनल्स को लूप कीजिए। P1 टर्मिनल के साथ फेज और N टर्मिनल के साथ न्यूट्रल कनेक्ट कीजिए। कई बार सिर्फ एक न्यूट्रल और दो फेज भी हो सकते हैं, दो फेज यानी UPS और EB। ऐसे में UPS प्राइमरी पार को P1 और EB फेज को P2 से कनेक्ट करें। इसके बाद न्यूट्रल को N टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए। तीसरे केस में 3 फेज और एक न्यूट्रल कनेक्शन उपलब्ध होते हैं, एक UPS फेज, दूसरा EB फेज और तीसरा AC फेज। ऐसे में P1 को UPS फेज से, AC फेज को P2 से कनेक्ट कीजिए। इसके बाद न्यूट्रल को N टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए और EB फेज को इंसुलेट करें। लोड को जोड़ाने के लिए वीडियो में दिखाए गए अनुसार कनेक्शंस करें और डिवाइस के पीछे दिए गए निर्देशों का पालन करें। हमारी डिवाइसेस या इंस्टॉलेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कृपया हमसे संपर्क करें।